तो गाइस ये महाराज जी की माला है जो हमने पहनी है, पहन रखी है, मेरे से मांगी है, इसे नहीं मांगी है, महाराज जी ने दी है हमको, मेरे को नहीं दी, इसको नहीं दी, मेरे को दी है, चाचा को दी है, हमको दी है, मेरे को दी है, तू निकल, हमको दी है, मुझे हम राजा है। सो हे गाइस, जय जिनेंद्र, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, दिस इज अनमोल जैन फ्रॉम बुलबुल डेकोरेशन अवरमपुर। आप सभी लोग कैसे, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे रहोगे। तो गाइस सुबह के 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है आज हमारा व्लॉग, और आज सुबह 6 बजे कैसे कोहरा हुआ है देखिए आप, मतलब कुछ नहीं दिख रहा। अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर जी जाने का रीज़न ये है कि हम जा रहे हैं पानी लेने के लिए कुआँ से, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर महाराज जी का आहार होगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप ही शूट कर पाऊँगा, अगर कर पाया तो मैं पूरा दिखाऊँगा। मैं आज के ब्लॉग में खाली बस महाराज जी का आहार दिखेगा, तो पहले उसके लिए हम जल लेने जा रहे हैं। वो महाराज जी खाली कुएं का पानी ही लेते हैं, और बहुत नियम्स हैं, तो वो बिट टू बिट मैं बता नहीं पाऊंगा, पर जितना कुछ मुझे पता है मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। तो लेट्स गो गाइस, अभी चल रहे हैं मंदिर जी, टंकी रेडी है, लेट्स गो भाई, गाड़ी स्टार्ट हो जा सुबह सुबह। ओके ओ भाई ठंडी। मंदिर जी में लॉक लगा हुआ है, अब मानसिंह को उठाना पड़ेगा, ठंडी बहुत ज्यादा है मेरे लिए, तो बहुत ज्यादा है, पहली बार इतनी ठंडी देखी है एक्चुअली, आज कुछ ज्यादा है। तो आप सोच सकते हो गाइस, हम लोग इतना सब कुछ पहनकर भी हम लोग को ठंडी लग रही है, महाराज जी कैसे रहते हैं, वो चीज़ एक सोचने वाली बात है। भाई दावे आप देख सकते हो गाइस, मंदिर जी का गेट कितना अच्छा लग रहा है, पहले क्या है गाड़ी वगैरह रखी रहती थी तो मैं प्रॉपरली दिखा नहीं पाता था, देखिए। तो ये पीछे का गेट है, कोहरा देख सकते हो आप गाइस कुछ नहीं दिख रहा है। अब टास्क है इसको फिल करना है कुएं के पानी से, बाल्टी से निकालना पड़ेगा, फिर डायरेक्ट घर पर मिलता है। तो गाइस अभी तो टंकी और कैरेज मैंने फिल किया है, इसके बाद एक और बार लेने के लिए आना पड़ेगा मेरे को। ओके, तो मंदिर जी में सबसे पहले विनोद मामा आते हैं, वही सब कुछ अरेंजमेंट देखते हैं, वो मतलब सुबह से वही आ जाते हैं 6 बजे, उनको सैल्यूट है। सो फिलहाल अभी आहार की तैयारी चल रही है यहाँ पर गाइस। तो गाइस वैसे तो सब सामग्री हम लेकर आ गए थे कल, फिर भी थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, उसके रिगार्डिंग अभी हम आए हैं मार्केट में और टमाटर वगैरह लेने के लिए, और कोकोनट लेना है जैसे, और दो कैरेज मैंने पानी ले लिया है मंदिर जी से, शायद और भी लेना पड़ेगा, कुछ गारंटी नहीं है। सो गाइस अभी फिलहाल रंगोली डाल रहे हैं महाराज जी, शायद 10 या 11 o'clock को आएंगे। सो आज मंदिर जी में विधान है जो कि महाराज जी करवाएंगे। तो गाइस पंचकल्याणक में ये भैया लोगों ने गाना गाया था, इनसे परिचय नहीं करवा पाया था, खाली बस स्टेज में दिख रहे थे, एक बार पूछते हैं इनको उड़ीसा के कैसा लगा। भैया कैसा लगा पंचकल्याणक? बहुत बढ़िया है, उड़ीसा में पहली बार आए हो? उड़ीसा में पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, और यहाँ का पंचकल्याणक देख के इतना उत्साह, यहाँ के सारे भक्तों का इतना उत्साह था कि पता ही नहीं चला कि पहली बार हो रहा है कि पता नहीं आनंदों बार हो चुका है। ये भैया हमेशा नीचे बैठ के गाना गाते थे, लेकिन किसी ने इनको चेहरा नहीं देखा है, तो आज व्लॉग में दिखा रहे हैं। कैसा लगा भैया नवरंगपुर में, कैसा लगा आपको? नवरंगपुर में बहुत अच्छा लगा, मैं उड़ीसा में पहले भी आ चुका हूँ, नवरंगपुर पहली बार आया। तो उड़ीसा में कहाँ गए थे पहले? उड़ीसा में भुवनेश्वर, नहीं भुवनेश्वर के पास में है, उदयगिरी खंडगिरी गए थे, दो तीन जगह इधर चला गया हूँ, और एक तीर्थ क्षेत्र भी है यहाँ पे अपना, फिर आकर बड़ा ही आनंद आया, पंचकल्याणक बहुत अच्छा लगा। तो अभी फिलहाल सभी लोग अभिषेक कर रहे हैं, फिर विधान स्टार्ट होगा। सो गाइज अब हम तैयारी कर रहे हैं महाराज जी की स्वागत के लिए, तो रंगोली हो गई है यहाँ पर, और फ्लावर से यहाँ पर वेलकम लिखा जा रहा है, ठीक है, और अंदर कैसे क्या कुछ होता है वो भी बताता हूँ। सो फाइनली गाइस ये हो गया, हाँ, और यहाँ पे लाइव चल रहा है गाइस, मंदिर में क्या हो रहा है सब लाइव चल रहा है यहाँ पे। तो गाइस अब हम जा रहे हैं धोती दुपट्टा चेंज करने के लिए, इसको उतार देंगे, धोती दुपट्टा पहनेंगे, बिकॉज महाराज जी का आहार करना है तो उनको पटकाना है। अब मेरे को प्रॉपरली प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, पहले मैं प्रॉपरली प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा था, पटकाना है, तो अभी वही होगा, वही कार्यक्रम होगा।
तो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सो गाइस रेडी फॉर पटकाने के लिए जाएंगे अभी। सो फिलहाल हमारे यहाँ हो रहा है महाराज जी का आहार। जय जय गुरुदेव का। तो गाइस महाराज जी का विहार यहाँ से चालू हो रहा है, वो यहाँ से जाएंगे छत्तीसगढ़ जगदलपुर। तो आज जा रहे हैं, 5 दिन कैसे निकल गया पता नहीं चल रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है, देखो। जय जय गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव का। गाइस महाराज जी अभी काजू फैक्ट्री आ रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो वो वाले रास्ता से आ रहे हैं। हम लोग यहीं से आ गए कार में। जिया जी कैसा लगा आपको नवरंगपुर में? बहुत बढ़िया लगा। ये तो पहले भी आ चुके हैं। मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा जितना अच्छा अभी लगा है। हैं? हाँ। तो होली के ब्लॉग में आप आए थे, आपने देखा था वो ब्लॉग? हाँ देखा। कैसा लगा? बहुत बढ़िया ब्लॉग था, बस मेरा थोड़ा वीडियो काट दिया उसने। तो सो गाइस फाइनली महाराज जी आ गए। सो महाराज जी पहली बार शायद काजू फैक्ट्री देख रहे होंगे नवरंगपुर में। गाइस फिलहाल 9 किलोमीटर हम आ गए हैं, महाराज जी आने वाले हैं, फिर और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है जहाँ पर वो स्टे करेंगे, प्राइमरी स्कूल है। तो गाइस 5:40 हो गया अप्रोक्स, क्लाइमेट देख सकते हो आप। और महाराज जी आ गए और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, फिर वो लोग महाराज जी वहाँ प्राइमरी स्कूल में रहेंगे, हम नवरंगपुर चले जाएंगे। सो अभी महाराज जी की आरती कर रहे हैं हम सभी लोग। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने महाराज जी को विहार करा दिया वहाँ पर, अभी वो प्राइमरी स्कूल में हैं। तो अभी मैं आया हूँ राजा की शॉप पर, यहाँ पे कुछ वीडियो अपलोडेड करूँगा, फिर हो जाएगा हमारा जो भी था मतलब पुराना ब्लॉग ही आएगा। तो इसी के साथ ही मैं अपने ब्लॉग को करता हूँ एंड, अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। सो गाइस ये बीचों बीच जो रंगोली की गई है यहाँ पे, चना दाल बीरी दाल सब दाल वगैरह है यहाँ पे। ओके।